अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? सब ठीक ठाक दोस्त भाई। अच्छा, आज की वीडियो में आपको गांव की शादी दिखाएंगे और गांव में शादी कैसे मनाते हैं और कैसे तकरीबात होती हैं, क्या क्या रस्मात होती हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लकीली आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश रही है और यही था एक्सपेक्ट कि बारिश आज भी ना हो, लेकिन आज अल्लाह ने मौका दिया। तो आज अभी जो फंक्शन होने वाला है वो है वलीमे का, उसके बाद फिर रात को मेहंदी और इसी तरतीब से फंक्शन होंगे। तो देखते हैं सेटअप जो वलीमे के लिए है। अच्छा, सारी मेहनत इनकी है, ये जितने भी वलीमे यहाँ लोग इंजॉय करते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं, उसके पीछे ये लोग होते हैं, ये लोग ये सारी मेहनत करते हैं और ये जितना भी आइटम बंदोबस्त है इन लोगों का होता है। बाबर भाई, आपका शुक्रिया जो आप इतनी मेहनत करके लोगों के लिए। हाँ जी, तो किधर है नैक आपके? नैक मार्केट में खाना तैयार कर रहे हैं जी। आपका सिलसिला शुरू हो गया है और सबसे पहले ये दो मेहमान, ये कीमती मेहमान दो पहुंचे जी, जी मेहमान आ रहे तैयार ही हुए। ये दूल्हे के दोस्त आए हैं जी, राजा साकुब गोई राजगांव से तल्लुक है और ये दूल्हे के वाले साहब हैं सुल्तान साहब। दादा, मौसम एकदम खराब हो गया। उनका छो करा था बनी हुई अचानक बारिश आ गई, मामा शामा सारे सिज्जी गए और अचानक बारिश आ गई, जिसकी वजह से भी ये सेटअप क्लोज करके हम जा रहे हैं।
आज बारात डे है, दूल्हा साहब अभी तैयार होने गए हुए हैं, वापस आएंगे तो फिर आगे का जो आज का बारात का फंक्शन है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अभी मेहमान भी पहुंच रहे हैं आस्ता आस्ता, ये देखें जी वो अभी सिर पर सिर्फ दूल्हे का वेट है, तो चलते हैं देखते हैं कि दूल्हा पहुंचा या नहीं पहुंचा। राजा इधर छे ना पैसो लखो तको ये दूल्हा की गाड़ी है, पहुँचा है जी जनाब दरिया के किनारे। एक बार फिर बारात पहुँचाई है और गाड़ियाँ यहाँ खड़ी की हैं दरिया के इस पार, पुल के इस पार, और अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे। वहाँ लैंडोवर, दो चार लैंडोवर गाड़ियाँ हैं, उनमें बैठ के फिर आगे जाएंगे जहाँ पे दुल्हन का घर है। मीट में आके मैं कर दिया।
हेलो शाह साहब जी जनाब, डर तो नहीं रहे हैं आप? मुझे लगता है आप डर रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह ने हुक्म किया। कौन सारे बंदे डरने पे जी? क्या जी डर शर्त नहीं ला पुल पार करने? नहीं भाई, अल्लाह ने हुक्म ने कई बार ऐसा मंजिलों रार पार की दिया। उच्चा उच्चा कलमा किया पढ़ने से हो? उच्चा उच्चा कलमा इस वजह से पढ़ने से हो कि शायद तुम राजा को ना सुनी बहन तुझ तक बात किचे याद करेगी ना। अल्लाह अल्लाह, चलो। हाँ हाँ, नाम क्या है? सरदार जहूर नाम है मेरा, और बहुत मजे का इलाका है। हम इधर आए हैं, बहुत अच्छा व्यू मिला है हमें यहाँ देखने के लिए। तो यहाँ पे अभी गाड़ियाँ नहीं आई हैं, लैंड ओवरें आएंगी उन पर जाएंगे हम लोग, लेकिन बहुत प्यारा व्यू है। अच्छा, मिले तो आए इधर। इस जगह का नाम है सालग्राम। सालग्राम, ये सालग्राम है जी, बहुत प्यारा इलाका है। अच्छा, तो हम वेट कर रहे हैं जी, अभी गाड़ियाँ आएंगी तो लेके जाएंगी। जो हम गाड़ियाँ लेके आए थे वो पार ही खड़ी हो गई है। चलो आसफ जुड़िया बने बने। ये देखे जी, ये बराती किस तरह जा रहे हैं। ये प्यार है इनका दूल्हे के साथ। डर नहीं लग रहा ना जी? बस मजा आ रहा। मजे करो। अंदर बाले अभी बारात इन गाड़ियों में आ रही है। और जंज पहुंची आई तो रोटी रोटी खाई बैठे हाँ। पतली गली टिले टिले हो। ये कौन है जिसने डबल डबल चश्मे पहने हैं? ओए नेमो, खाली रहना। अच्छा जी, वापसी का सफ़र शुरू हो गया है और तकरीबात ख़त्म। हम वहाँ तक जा रहे हैं जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। कुछ लोग यहाँ से लैंड ओवर में गए हैं और कुछ पैदल हैं। तो आते हुए पैदल इतना फील नहीं होता क्योंकि सारी उतराई है, और ये वो रास्ता है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। आपको आगे दिखाते हैं कि गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हैं हमारी। इस वक्त चूँकि खामोशी है और दरिया की जो आवाज़ है, साउंड है, वो आप सुने। वो सामने जगह है जी जहाँ हमने पहुँचना है। वो आपको नज़र आ रहा है पुल, और उसके पार हमारी जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ तक अभी भी काफ़ी सफ़र है। और मैं इसके साथ अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ, ये छोटे के साथ, तो सफ़र थोड़ा और लंबा हो जाता है। अभी आप दरिया का जोर सुने और आवाज़ सुने, आपको पता चलेगा शाह साहब दरिया के अंदर चले गए हैं। खुदकुशी का इरादा तो नहीं है शाह साहब? मेहरबानी करें, 25 कोर्स भी कराना है आपने। तो व्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।
है।